हेलो टू फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के बारे में। और मारुति सुजुकी करेंटली लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है हमारे देश के अंदर, और इनके पास लार्ज रेंज है कार्स की जो ये सेल करते हैं इंडिया के अंदर। और इस वक्त इनकी ये पोजीशन है मार्केट के अंदर कि ये नंबर वन पोजीशन पर हैं। और इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए और उस अपने मोमेंटम को स्ट्रेंथ करने के लिए ये मार्केट में न्यू एसयूवीज और न्यू मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं अपने गाड़ियों के। और वैसे अब टोयोटा भी मारुति के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, तो टोयोटा के साथ मिलकर मारुति सुजुकी नए नए एसयूवीज और नए नए मॉडल्स लॉन्च करेगी। और इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है मारुति सुजुकी का 3 ईयर प्लान, आगे आने वाले 3 साल के अंदर वो कैसे कैसे मॉडल्स लॉन्च करेगी अपने गाड़ियों के। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी है मारुति सुजुकी की और कौन कौन से न्यू मॉडल्स आने वाले हैं इंडियन मार्केट के अंदर आने वाले 3 सालों में। वैसे अब जितनी भी आगे मारुति सुजुकी की कार आएंगी वो एक यूटिलिटी व्हीकल्स होने वाली हैं, और हर 6 महीने में एक मॉडल्स लॉन्च होगा 2021 से लेकर 2023 के बीच, यानी कि टोटल 4 गाड़ियां आएंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। हुंडई क्रेटा राइवल। हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस एक ऐसी कैटेगरी है एसयूवी की जो इंडिया में काफी लोकप्रिय है, और कस्टमर्स इसके पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं जैसे कि पता नहीं इसके अलावा कोई और कार कैटेगरी है भी कि नहीं, क्योंकि एसयूवी की इस कैटेगरी ने सब कैटेगरी को पीछे छोड़ दिया है। तो मारुति सुजुकी भी इस कैटेगरी में अपना एक न्यू कार मॉडल लाने की सोच रही है। तो 2022 के सेकंड हाफ तक मारुति भी अपनी एक मिड साइज एसयूवी लॉन्च करेगा जो कि कॉम्पीट करेगी हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस वाले सेगमेंट से। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये एसयूवी बेस्ड होगी टोयोटा रेस पर, जो कि एक सब 4 मीटर एसयूवी है टोयोटा के द्वारा। और टोयोटा के साथ मिलके ही मारुति एक अपना वर्जन निकालेगी इस एसयूवी का, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा टोयोटा रेस से, और इसका नाम हो सकता है ए क्रॉस, यानी एस क्रॉस का ही बड़ा भाई ए क्रॉस मारुति एमपीवी। और इस न्यू स्ट्रेटेजी और प्लान के अंदर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 ईयर प्लान होने वाला है, उस प्लान में सबसे पहली जो गाड़ी होगी वो होगी एक एमपीवी। एमपीवी यानी कि मल्टीपर्पस व्हीकल, और ये एमपीवी जो डेवलप होगी वो मारुति और टोयोटा के साथ में मिलकर भी बनाई जाएगी, क्योंकि वैसे ही जॉइंटली पार्टनर हो चुके हैं मारुति और टोयोटा। मारुति के पास इस वक्त अर्टिगा और XL6 है इस सेगमेंट के अंदर, और एक अपकमिंग मॉडल होगा जो कि 3rd व्हीकल होने वाला है एमपीवी लाइनअप में। और यही सेम व्हीकल टोयोटा भी बेचेगी अपना ठप्पा लगाकर, जैसे कि हाल ही में मारुति ब्रेजा को अर्बन क्रूजर के नाम से बेचा और बलिनो को ग्लांजा नाम से बेचा है टोयोटा ने। उसी तरह टोयोटा डीलरशिप पे भी यह जो नई एमपीवी आएगी मारुति की तरफ से वो भी टोयोटा डीलरशिप पर देखने को मिलेगी। न्यू विटारा ब्रेजा। अपना सबसे पहला प्रोडक्ट यानी कि एमपीवी लॉन्च करने के बाद मारुति अपने दूसरे प्रोडक्ट पर काम करेगी जो कि होगी ऑल न्यू विटारा ब्रेजा एसयूवी। और अंदाजा है कि विटारा ब्रेजा जो लॉन्च होगी वो होगी फर्स्ट हाफ में 2022 के, और ये बिल्कुल आशंका है कि जो इस समय का विटारा ब्रेजा का मॉडल है उससे काफी अलग होगी दिखने में, क्योंकि ये नई जनरेशन होने वाली है विटारा ब्रेजा की। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलेगा जो कि अभी फिलहाल BS6 वर्जन में मिल रहा है। क्रॉसओवर मारुति का, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 2022 के सेकंड हाफ तक वो 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, और मिड साइज एसयूवी की लॉन्च होने के बाद ये अपना एक न्यू क्रॉसओवर लॉन्च करेगी जो कि कम्पीट करेगा टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों से। और ये सेकंड प्रोडक्ट होगा मारुति सुजुकी का इन द सब 4 मीटर क्रॉसओवर सेगमेंट आफ्टर ब्रेजा 4-डोर जिमनी। और जो कि लास्ट प्रोडक्ट है इस लिस्ट के अंदर वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हाँ जी, 2023 के फर्स्ट हाफ में मारुति ने फाइनल कर दिया है कि वो लॉन्च करने वाली है एक एंटिसिपेटेड एसयूवी जिमनी इंडियन मार्केट के अंदर। जिमनी को वैसे इंडिया के अंदर सबसे पहली बार ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था पिछले साल ही, और मारुति जल्द ही मैन्युफैक्चर कर रही है जिमनी को इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 2023 तक आपको भी यानी कि इंडिया में भी 4-डोर वर्जन मिले इस एसयूवी का जो कि इंडियन कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर सके। जिमनी की काफ़ी ज़्यादा फैन हो चुके हैं इसके ऑटो एक्सपो में शोकेस होने के बाद से ही, और बहुत से लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि कब आएगी जिमनी, कब वो इसको देख पाएंगे इंडियन रोड्स पर।
तो जिम्नी का क्रेज तो काफी है। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपकी राय है, जब से टोयोटा और मारुति दोनों एक साथ ही जुड़ गए हैं, क्या नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे अब, क्या मारुति के जो इमेज है वो अब सुधरने वाली है आगे फ्यूचर्स के अंदर, क्या मारुति अपनी नंबर वन पोजीशन बनाए रखेगी इंडिया के अंदर जो कि उसकी पोजीशन कई सालों से चलती आई है। तो इन सब सवालों का जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिख जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।